हेलो एवरीवन, बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई पे चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, डिमांड का मीनिंग समझा दिया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आए थे, जिसका बेसिकली मीनिंग क्या था, वो सारे फैक्टर्स जो गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनके चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा। तो बेटा आप डेली रिवाइज कर रहे हो, मुझे लगता है आपने रिवाइज किया होगा, तो जल्दी से एक बार मैं शॉर्ट में क्विक रिवीजन में आपको रिवाइज करा दूं कि हमने कौन कौन से डिटरमिनेंट्स किए थे। हमने एक करा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेटा अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो एज ए कंज्यूमर आप उसे कम खरीदोगे, किसी गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो एज ए कंज्यूमर आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, दिस इज फर्स्ट डिटर्मिनेंट। फिर मैंने एक और डिटर्मिनेंट बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें कितने तरह के गुड्स होते हैं, दो, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। क्या फ़र्क है दोनों में, जब आप दो गुड्स को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हो दैट इज़ सब्स्टिट्यूट, और जब दो गुड्स को एक साथ यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल, और सब्स्टिट्यूट का टी एंड कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव, अगर एक गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशनशिप है, सॉरी, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव है और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट में अगर टी के प्राइस बढ़े तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें मैंने क्या बताया था, जनरल लोगों का परसेप्शन ये होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गुड्स पे। एक होता है नॉर्मल, एक होता है इन्फीरियर। क्या फ़र्क है दोनों में, नॉर्मल मतलब सुपीरियर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, कल को अगर आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इन्फीरियर में कैसा होता है, नेगेटिव, कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ तक आई होप सो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे हमने डिस्कशन कर लिया था, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे बेटा काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे मैंने आपको क्या समझाया था, जनरली तो अगर किसी चीज़ के लिए फेवरेबल चेंज आ रहा है, आप किसी चीज़ को लाइक करना शुरू करोगे तो डिमांड बढ़ती है, अनलाइक करने शुरू करोगे अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन बेटा इसमें दो तीन कंसेप्ट आए थे जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक है डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट, एक है स्नोब अफेक्ट और एक है वेबलन अफेक्ट। एग्जांपल से याद रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कोई चीज़ आप इसलिए यूज़ कर रहे हो, ये नहीं कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन दिखावा, मैंने देखा मेरे दोस्त के पास ये है, अच्छा शर्मा जी के पास ये है, शर्मा जी के लड़के के पास ये है, तो मेरे पास भी वो होना चाहिए। मैं पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी के पास ओहो LCD TV ले लिया तुमने, तो हम भी लेंगे। एक बहुत अच्छी बात भी लिखी हुई थी यहाँ पे वाइन वाली, कि बेटा कितने लोग तो वाइन इसलिए पीते हैं क्योंकि भाई उन्हें मज़ा आता है पी के, और कितने लोग खाली इसलिए पी रहे हैं कि सोसाइटी में क्या बनती है, एक अपनी रेपुटेशन बनती है कि भाई उनके फंक्शन में वाइन थी। ये एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है, खाली दिखावे वाली चीज़, डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट बिजनेस मैन के लिए तो अच्छा है, करो दिखावा, बिजनेस उतना चलेगा। स्नोब अफेक्ट उसका अपोजिट है। स्नोब अफेक्ट ये कहता है कि जब कोई चीज़ कॉमन हो जाती है, जब कोई चीज़ सबके पास होनी शुरू हो जाती है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। और वेबलिन तो सबसे बढ़िया, वेबलिन का एग्जांपल तो डायमंड का याद रखो, डायमंड और आईफोन, ये जितने महंगे होंगे ये उतने ज़्यादा खरीदे जाएंगे, इसे प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। भाई जितना महंगा खरीदोगे उतना ज़्यादा दिखावा कर सकोगे, पता कितने का खरीदा था मैंने, जब ये डायमंड का रेट 60-70-80 हज़ार पे था, अच्छा हमने तो तब ख़रीदा था जब इसका रेट 1 लाख रुपए था। तो मतलब ये वेबलन अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी, आई होप सो बातें आपको सबको क्लियर है। एक दे रखा है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इम्पोर्टेंट होगी, छुटकू से जल्दी से कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन और उसके बाद अदर फैक्टर्स। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे इसका आंसर देना। एक आ जाता है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस में भी क्या हो सकता है, या तो किसी गुड्स की फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको लगता है यार ये चीज़ कल को महंगी हो जाएगी, ये चीज़ कल को महंगी हो जाएगी, जैसे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ किया, लो जब बेटा पिछले 1-2 महीने में ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज में हो गए थे, उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी, पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में, मतलब कोई पूछता भी नहीं था, उसके रेट 10,000, 20,000, 25,000 उसके रेट धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब आपको लगता है कि कोई रेट फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, तो जो उसकी करंट डिमांड है उस बढ़ेगी या नहीं या कम होगी, बताओ। अगर आपको लगता है कि यार कोई चीज़ महंगी होगी कल को, तो उसकी करंट डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा, मुझे ये बताओ।
तो मेरे पे दीपांश और स्पर्श ने आंसर भेजा इंक्रीज होगी। कुकरेजा जी भी कह रहे हैं भैया बढ़ा देंगे। जो आपने देखा लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने पास स्टोर रखना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है बेटा, ह्यूमन बिहेवियर है। और अगर लगता है कोई चीज़ कल को सस्ती होगी, अब पता है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, रेडमिसिविर इंजेक्शन मास्क, इनके ना बीच में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लगे थे, तो लोगों ने डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब पता है अब इंडिया में सिचुएशन सही होगी, अब इनकी एज सच शॉर्टेज नहीं है, आपको पता है कल को ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, तो इनकी करंट डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा। जब लगता है कि भाई ये तो बस बढ़ गए 10-20 हज़ार पे, बहुत हो गए प्राइस, अब वही नॉर्मली फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे किसी चीज़ के, तो उनके करंट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। भैया ब्लैक मार्केटिंग भी इसी का इफेक्ट है, बिल्कुल बेटा ब्लैक मार्केटिंग पार्थ ही इसी का इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग पे कभी डिस्कशन नहीं होगा ना। ब्लैक मार्केटिंग करना इलीगल है, वो हम कभी सिखाएंगे नहीं। ब्लैक मार्केटिंग होती इसीलिए है किसी भी इकोनॉमी में, जब किसी चीज़ की लगे कि फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, जब लगे कि भाई फ्यूचर में इसके प्राइस बहुत बढ़ने वाली है, उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग होगी। जैसे सबको पता है रेडमिसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हुई, एम्बुलेंस वालों ने ब्लैक मार्केटिंग करी, मतलब उन्होंने 4 किलोमीटर के कस्टमर से कितने प्राइस चार्ज करे, ऑफिशियली 40,000 पे एम्बुलेंस सर्विसेज के। इतने में तो किसकी टिकट आ जाती है, एयर टिकट आ जाती है इतने में। एक ने तो हद ही कर दी, एक ने दिल्ली से लुधियाने के कितने चार्ज करे, 1,25,000 रुपये। लेकिन बेटा ये इलीगल है, ऐसा कर नहीं सकते। ब्लैक मार्केटिंग के मीनिंग में ही क्या लिखा हुआ है, जब आप लीगल जो प्राइस चार्ज कर सकते हो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, दैट इज़ ब्लैक मार्केटिंग। आप इंसानियत को ख़त्म कर रहे हो बेटा, है ना। फिलहाल कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में बहुत चीज़ें आ जाती है, फ्यूचर प्राइस, आपकी इनकम और सप्लाई कंडीशन। बेटा उस समय क्या था, अभी पिछले एक महीने पहले अगर हम 1 मई को अपने आप को, 1 या 5 मई को अपने इंडिया को देखें, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया में हर एक चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है, सप्लाई कंडीशन बहुत ख़राब थी, फ्यूचर के प्राइस बहुत बढ़ रहे थे, इसीलिए जो सैनिटाइज़र थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनकी डिमांड ज़बरदस्त हाइट पे थी। ये सारी चीज़ें करंट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने भी कितनी चीज़ें खरीद के रख ली होगी कि कल को मिले या ना मिले। एक ऐसी दवाई आई थी उस समय, मैं नाम भूल रहा हूँ, आयुर्वेदिक एस्पोडर्मिया शायद, तो उस समय लोगों को ज़रूरत थी या नहीं थी, लोगों ने खरीद के रखनी शुरू कर दी कि पता नहीं कल को मिले ना मिले, खरीद के रख लो आज के दिन ही, है ना, क्योंकि लगता था कल को उसकी सप्लाई ख़त्म ना हो जाए। अगर कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी या शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, और अगर लगता है कि कल को ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे कि भाई अभी क्या ही करना खरीद के, जब चाहिए होगा तब ले लेंगे, करंट डिमांड विल फॉल। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। बेटा बेसिकली कल के जो 4 डिटर्मिनेंट्स थे वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बहुत डिस्कशन था उनके ऊपर। इन पे इतना नहीं है, छुटकू छुटकू से पॉइंट है, छुटकू छुटकू को जल्दी ख़त्म करते हैं। ये जो अबव फैक्टर्स हैं वो तो अलग हैं, अब ये छोटे छोटे पॉइंट, ये तो आप एक एक सेकेंड में आंसर देते रहना। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बेटा जैसे इंडिया, हम एक काम ही तो कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं इतने सालों से। पहले कहाँ, हम आज से 70 साल पहले 50 करोड़ होते थे, अब 140 करोड़ होने वाले हैं, हम हो गए कामयाब, नंबर वन बनेंगे, चाइना को पीछे छोड़ेंगे, हम 2 हमारे 10 है ना, हमारा ये टारगेट है। तो बेटा अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है तो क्या डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे गुड्स को खरीदने वाले, क्या गुड्स की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। बेटा इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है हर एक बिजनेस के लिए, इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि इतने लोग हैं भाई साहब, इतनी जनता है, जनता ही जनता है, ख़त्म ही नहीं है, जनता की कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत है जी भैया, बढ़ेगी। जनरली जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना बड़ा रीजन होगा, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, बिल्कुल सही बात है। फिर अगले वाला तो मज़ेदार है, कंपोजिशन, आप बताना कि बात सही है या नहीं। बेटा दो तरह के लोग हो सकते हैं किसी भी इकनॉमी में, या तो बूढ़े लोग जो दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, बेटा जाने वाले 60-70 साल वाले ज़्यादा लोग, या यंग नेशन, मतलब यंग नेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग किस एज के, मैं 20 से 40 साल के, या अभी यंग नेशन है छुटकू सा, जहाँ पे 0 से लेके 10 साल के ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। बेटा अगर 60 साल से ज़्यादा लोग हैं तो ऐसी इकनॉमी में क्या मेडिसिंस की ज़्यादा डिमांड होगी, स्पेक्स की, स्पेक्टिकल्स की ज़्यादा डिमांड होगी, जहाँ पे जो दुनिया को अलविदा कहने वाले होते हैं। और अगर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो टॉयज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, टॉयज़ की, उन्हें बेटा उन्हें तो खिलौने चाहिए, है ना, छोटे बच्चों को,
तो बेटा आपकी इकोनॉमी में कंपोजिशन क्या है इसे देखना चाहिए। इंडिया में आपको क्या पता है, इंडिया में 65% सुने, इंडिया में ज़्यादातर लोग ओल्ड हैं, यंग हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं। इंडिया एक यूथ नेशन है, सुनिए ये बात या नहीं, मोदी जी कितनी बार आपको कहते हुए मिल जाएंगे, हमारा नेशन यूथ नेशन है। हमारे यहाँ 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस एज में आती है, 20 से 40 साल के ब्रैकेट में आती है। मतलब हम एक यूथ नेशन है, यहाँ पे जो डिमांड है वो किस चीज़ की ज़्यादा, जो यूथ को चाहिए, है ना। देखो अगर ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं किसी रीजन में तो उन्हें क्या चाहिए, बेटा ये दुनिया को अलविदा कहने वाले, इन्हें स्पेक्स दे दो, इन्हें वॉकिंग स्टिक दे दो, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बच्चों की ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं जो, तो टॉयस, बेबी फूड्स, टॉफिस, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। आई होप सो बात क्लियर है। हाँ भैया, हाँ सैम ने बिल्कुल सही कहा, भैया हमें तो बस एक चीज़ दे दो, हम पूरा दिन पास कर लेंगे, मोबाइल फ़ोन, उसके बीच में दो तीन एप्लीकेशन दे दो, एक एप्लीकेशन दे दो स्नैपचैट, एक दे दो इंस्टाग्राम, एक दे दो FB, बस बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, बाकी चाहे दुनिया भाड़ में जाए। अच्छा वो नेटफ्लिक्स वाईफाई जरूर दे देना साथ में, माई मिस्टेक भैया, और OTT वाले वो प्लेटफॉर्म दे देना, वो अपना क्या कहते हैं प्राइम, नेटफ्लिक्स, बस अपना काम हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी आराम से कटती रहेगी, बाकी चाहे दुनिया मरे या जिए, है ना। हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो ये एज है 20 से 40 साल, इसे रिलैक्स करना है, इसे और किसी की टेंशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को, मैं जनरल परसेप्शन बोलता हूँ, हमेशा हर एक के लिए वो अप्लाई नहीं होता, कितने लोग ऐसे भी है जो बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। चलो भैया नेक्स्ट, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। दो चीज़ें आप खुद बताओ बेटा, अगर आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो क्या गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं इकोनॉमी में, तो क्या आपकी गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी या नहीं। अगर आपकी इनकम का लेवल ज़्यादा है बेटा, आपको इन हाँ या ना ही तो लिख के भेजना होता है, कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी एक इम्पोर्टेंट डिटरमिन है मार्केट डिमांड का। जितनी ज़्यादा नेशनल डिमांड, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स और सर्विसेज की। लेकिन ये है लेवल, अभी बात को ध्यान से सुनते रहना, बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। आपको क्या लगता है इंडिया की ना एवरेज पर कैपिटा इनकम निकलती है, हर एक कंट्री की एवरेज पर कैपिटा इनकम निकलती है, कि ऑन एन एवरेज ये कंट्री में कितने लोग पैसे कमाते हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक दी जाती है। तो आपको क्या लगता है इंडिया की रैंक अच्छी आती होगी, लगभग 180-190 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया की रैंक कहाँ आती होगी। हमारे यहाँ एवरेज पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, हम बहुत पीछे हैं एवरेज पर कैपिटा इनकम में या बहुत आगे हैं, क्या लगता है, क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ की जनता, एवरेज पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज के दिन। भाई तुक्का ही मार दो, कौन सा यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव मार्किंग हो रही है भैया। लो 100 के पास होगी, सही बात है, लो है, पीछे हैं भैया, हम बहुत पीछे हैं, हम एवरेज पर कैपिटा इनकम, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आज के दिन हम एवरेज पर कैपिटा इनकम, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है, सब में पीछे हैं, सब में स्ट्रेस में आ गए हैं, पॉपुलेशन में आ गए, पता नहीं कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन ही नहीं करते, हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता ही नहीं है कि भाई एवरेज पर कैपिटा इनकम का डाटा दिखाओ बच्चों को, हैप्पीनेस इंडेक्स का डाटा दिखाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डाटा दिखाओ, हम इन सब में बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के दिन फेल हो रहा है, गलत, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। उस पर ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारा फ़िलहाल टॉपिक दूसरा है, किसी दिन उस पर भी आपको बहुत अच्छे से बातें बताऊँगा कि फ्यूचर चेंज होने वाला है, है ना, फ्यूचर में बहुत चीज़ें। अभी अगर आपको अभी करंट, हम CA से रिलेटेड कर रहे हैं, तो बेटा करंट जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक नई वीडियो में उन्होंने क्लियरली कहा, एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा, हमारे प्रेसिडेंट ने ICI के, कि हम अपना जो ये ICI का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल चेंज करने वाले हैं, CA एग्ज़ाम सारे के सारे बहुत ही जल्दी, बातें तो कब से हो रही हैं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी सारे एग्ज़ाम्स हम ओपन बुक करने की कोशिश करेंगे। ओपन बुक का मतलब जहाँ पे रटने की बातें नहीं होंगी, ये जो बुक से जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, बस बच्चों को समझाओ और उन्हें बुक दे दो, वो बुक लेके जाएंगे पेपर में और खाली कंसेप्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लिख के आएंगे, ना कि रटना। आज के दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम रटफिकेशन चेक करता है कि आप कितने अच्छे रट्टे मार सकते हो, लेकिन हमारे CA को पता है, हमारे CA एग्ज़ाम्स में अकॉर्डिंगली अपडेशन आते रहते हैं। आपको जान के खुशी होगी, हमारे फाइनल में एक पेपर ओपन बुक हो चुका है CA फाइनल में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ,
एक पेपर पहले मजाक करते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बेटा ऐसा एक पेपर हो चुका है और इवन फाइनल में 30% जो क्वेश्चन है आज के दिन ऑब्जेक्टिव हैं, कितने ही फाइनल लेवल पे कितने पेपर 30% ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा ना समझना कि चेंज नहीं आते, चेंज आते हैं और चेंज बहुत ज़रूरी है। तो जो समझता है ना कि मैं रट्टा मारने में बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत फ्यूचर ब्राइट है, बेटा रट्टा मारने वालों की कोई ज़रूरत नहीं है आज के दिन इकनॉमी में। आप कितने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, आप कितने अच्छे से कंसेप्ट समझते हो और कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, आपकी तब वैल्यू होगी। चलो फिलहाल हम भटक गए थे, हम वापसी अपनी लाइन पे आ जाएं कि ये तो हम चीज़ें बहुत, अगर एवरेज पर कैपिटा इनकम कम है तो आगे अब जरा डिस्कशन कर लूँ, एक दो डाटा और बता दूँ। बेटा इंडिया में अगर 100% लोग हैं और 100% वेल्थ है तो रियलिटी ये है इंडिया में, 1% पब्लिक तो इंडिया की ऐसी जिस पे 51% वेल्थ है, एक बंदे पे इंडिया की 51 रुपये हैं और बाकी 99% लोग आप जैसे और मेरे जैसे कितने के लिए लड़ रहे हैं, 49%। आप देखो वो 1% कितने एक्सट्रीम रिच हैं इंडिया में, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी या कम? अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीरों के पास बहुत पैसा है, अंबानी जी हैं भाई साहब, अडानी जी हैं जो रिचेस्ट पर्सन है, अंधा पैसा है इनके पास, तो अगर इनके पास ज़्यादा पैसा है अमीर लोगों के पास, तो क्या ये लग्जरी गुड्स ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं अमीर लोग या नहीं, बोलो? क्या लग्जरी गुड्स वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं? अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो लग्जरी गुड्स, आपने सुना होगा कि भाई जो नीता अंबानी जी है जो चाय पीती है, पता नहीं उसकी जो कॉस्टिंग है 1 लाख रुपये पड़ती है, पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ आती रहती है, इतनी महंगी चीज़ें वो अफोर्ड कर लेती हैं क्योंकि भाई उनके पास पैसा ही इतना है। अब मेरी बात सुनना, बात को ध्यान से, बेटा इनकम ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इकनॉमी में। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबके पास इक्वल पैसा होगा, तो जनरली जो कंजम्पशन होती है ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक बंदा कंज्यूमर गुड्स खरीद पाएगा। अगर इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो जो कंजम्पशन है इकनॉमी की वो कम हो जाती है क्योंकि कितने लोगों के पास पैसे ही नहीं है खाने पीने के लिए। आपको बेटा ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, और इको पढ़ रहे हो बेटा, पहले तो CPT में ये पढ़ाए जाते थे फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ाए जाते थे और मुझे लगता है वो ज़रूरी भी था आपको पढ़ाना। अब तो हटा दिया हमने वो CA फाउंडेशन से, कि इंडिया की 25% पॉपुलेशन यार एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते, बड़ी हैरानी की बात है बेटा इंडियन इकनॉमी के साथ, है ना। फिलहाल तो जो वेल्थ ऑफ द कंट्री है, अगर वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ज़्यादातर पुअर होंगे। ऐसी कंडीशन में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अगर बेटा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो कंजम्पशन कम होगी क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रिच पीपल की होती है वो बहुत कम होता है, वो कितना ही तो खर्च कर लेंगे भाई। अमीर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये कोई वो खाना 100 बार खाएंगे दिन में, खाएंगे तो 3 बार ही ना वो भी, या जितने अमीर लोग होते रहते हैं वो तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं वैसे, मतलब बड़ी हैरानी की बात है। अमीर लोग इसलिए नहीं खाते कि भाई उन्हें अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, गरीब इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली जो डिमांड है कंज्यूमर गुड्स की वो कंपेरेटिवली लेस है अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल कर दें तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है पूरी कंट्री की बढ़ जाएगी, जिससे कि हाइयर डिमांड होगा। नेक्स्ट बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं बताता, अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर लोन ईजिली अवेलेबल होगा तो डिमांड कैसे होगी? अगर मैं कह रहा हूँ आ जाओ लोन बट रहा है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे EMI फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दो या 12 इंस्टॉलमेंट में, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, अगर ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो जाए, कम रेट कम इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल हो जाए, तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बोलो? अगर मैं चीज़ें ईजिली अवेलेबल करा दूं, मैं कह रहा हूँ बस आओ फ्री में बेटा, फ्री में लोन, बिना इंटरेस्ट के लोन दे देंगे आपको, ले जाओ बस। जो ये फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इतने गुड्स क्यों बेच पा रहे हैं? इन पर हमेशा EMI मिलती रहती है, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि ये डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब लोन के रेट कम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है जिसे चाहिए लोन ले लो, गुड्स खरीदो, इकनॉमी में डिमांड बढ़ाओ। आज के दिन की सिचुएशन यही डिमांड करती है। जो अवेलेबिलिटी है क्रेडिट फैसिलिटी, वो भी लोगों को इंड्यूस करती है कि हम कितना खरीदें, कि भाई मेरी करंट इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन मुझे लोन ईजिली मिल रहा है। क्रेडिट फैसिलिटीज से किसकी डिमांड डिटरमाइन होती है? ड्यूरेबल गुड्स की, जैसे बाइक, जैसे AC, ऐसी चीज़ों की जो कि एक्सपेंसिव है,
जिनमें बल्क पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और क्या खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे। और बेटा ये तो जनरल डिस्कशन हो गया, मैं हमेशा ये कहता हूँ इंस्टीट्यूट की बुक इतनी अच्छी डिज़ाइन होती है ना यार, एक एक लाइन पढ़ाने का मन करता है। ये तो जनरल डिस्कशन हो गया, लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड अफेक्ट होती है कि भाई गवर्नमेंट कितना टैक्स और सब्सिडीज दे रही है। जैसे सोलर प्लांट पे आज के दिन काफ़ी सब्सिडीज मिल रही है, आपको सोलर पैनल लगाने हैं तो काफ़ी सब्सिडीज मिल रही है। क्यों सब्सिडीज मिल रही है? जिससे कि हम उसे ज़्यादा खरीदें। बिजनेस की कंडीशन क्या है, वेल्थ कितनी है इकोनॉमी में, लोगों का एजुकेशन का लेवल क्या है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं तो पूरे इकोनॉमी में हमें गुड्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। डिमांड में मैरिटल स्टेटस कैसा है समझ गए, शादीशुदा लोग होंगे तो अलग चीज़ खरीदेंगे, अनमैरिड होंगे तो उन्हें तो मौज करनी है ज़िंदगी, अपना शांति से जीनी है। वेदर कंडीशन क्या है, सेल्समैनशिप कितनी, एडवर्टीजमेंट है, हैबिचुअल हो या नहीं किसी चीज़ के। अगर आप हैबिचुअल हो, पीने के हैबिचुअल हो, तो चाहे तुम बोतल 1000 की कर दो, चाहे 2000 की या 10000 की, पीने वाले नहीं मानेगा। गवर्नमेंट ने पूरा बेनिफिट ले तो लिया था, कितने परसेंट सेस लगाया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, 70% कोरोना सेस लगाया था उस पे अपना बोतल के ऊपर, है ना। सही बात है, पीने वाले का तो मज़ा ही अपना, जिसको पीने का शौक है उसके उससे तो तुम 1000 के 2000 ले लो, वो तो लेगा ही लेगा जी, है ना। और गवर्नमेंट अभी लिकर की सप्लाई बताओ, इतनी बड़ी चीज़ है, घर पे होम डिलीवरी दे रही है गवर्नमेंट दिल्ली में, न्यूज़ देखते रहा करो। कस्टम्स क्या है, जैसे बेटा इंडिया में कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिवाली है तो जो स्वीट्स की डिमांड है, जो स्वीट्स के अलावा गिफ्ट्स की डिमांड है, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। होली है तो कलर की डिमांड बढ़ जाएगी, गुंजिया की डिमांड बढ़ जाएगी। दुर्गा पूजा है कोलकाता में तो उस समय वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। गणपति जी का विसर्जन है तो किसकी डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पे, गणपति जी बहुत बनते हैं इंडिया में, है ना। और उसके साथ लड्डू खाते हैं शायद हमारे गणपति जी, लड्डू बहुत पसंद है तो उसकी डिमांड। बेटा ये बहुत सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने में। यार ये चीज़ें बुक में लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी इकोनॉमी इसी से तो चल रही है कि कितनी डिमांड हो रही है। जब डिमांड होगी हम तभी तो प्रोड्यूस करेंगे, और ये सारे फैक्टर्स हैं हर एक। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। डिमांड के हमने अलग अलग फैक्टर्स कर लिए, जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट डिमांड फंक्शन पे करते हैं। बेटा फंक्शन वर्ड सुना है आपने, सुना ही होगा क्या फंक्शन वर्ड, सिंपल, डिमांड को भूल जाओ, फंक्शन क्या बताता है। इवन इको में कितनी बार आता है कि फंक्शन सिंपल क्या बताता है, कि फंक्शन हमें एक रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स में। सुने ये किसी ने, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर मैथ्स है तो वहाँ पे पढ़ते होंगे, एक जनरल फंक्शन मैथ्स का होता है वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स। ये आपको रिलेशनशिप बता रहा है दो वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल वाई है और एक वेरिएबल एक्स है। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, दो, एक वेरिएबल वाई और एक एक्स। y जहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। देखो डिमांड फंक्शन भी हमें रिलेशनशिप भी बताएगा, जनरल फंक्शन दो वेरिएबल में रिलेशनशिप बताता है, डिमांड फंक्शन भी दो फंक्शन में रिलेशनशिप बताएगा। लेकिन वो दो वेरिएबल कौन से होंगे, एक तो खुद बनेगी डिमांड, और एक डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जिस पे डिमांड डिपेंड करती है, जो मैं अभी आपको पूरा चैप्टर पढ़ा के आया हूँ अभी तक का, कि भाई प्राइस पे डिमांड अफेक्ट करती है, प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, इनकम ऑफ कंज्यूमर से, क्रेडिट फैसिलिटी से, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो अलग अलग फंक्शन, डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जो कि डिपेंड करता है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिमांड है वो एक फंक्शन है किसका, इन सारी चीज़ों का, वो इन पे डिपेंड है। ग्रेट सक्सेस, समझ ले बात समझ में आ गया नहीं है, जल्दी से आगे कंटिन्यू करें कि जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस पे, लोगों की इनकम पे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, जो दिखता है वही बिकता है बेटा आज के दिन। तो दिखावे से बड़ी चीज़ आज के दिन कुछ रह नहीं गई है सोसाइटी में, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि यही चीज़ सबसे बढ़िया है आज के दिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी बेटा, दिखाओ, मतलब कितना दिखा रहे हो आप। बेटा यहाँ तक क्लियर है, बोलो जल्दी से हाँ या ना, आई होप सो क्लियर है बेटा, किसी को जल्दी से बता दो डाउट है, क्योंकि बेटा हमें थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना है और हर एक चीज़ का कि समझ भी आए।
नो डाउट भैया, मज़ेदार तरीके से समझ आ गया, बस चलते रहो, क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट तो यार मजाक है, पहले ही बातों बातों में हो गया। और इवन ये तो ऐसा कंसेप्ट है शायद जो बच्चे 11th क्लास से भूले ही नहीं होंगे, लो ऑफ डिमांड। मैं वैसे ही जनरल पूछ लेता हूँ, ये तो शायद सबको याद होगा। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब बेटा कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो एज ए कंज्यूमर हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब कोई चीज़ सस्ती हो रही है इंडिया में, तो एज ए कंज्यूमर हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। लो ऑफ डिमांड में क्या शो करता है, कैसी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव। लेकिन ये तभी होगी एज्यूमिंग दैट ऑल अदर थिंक विल रिमेन कॉन्स्टेंट, भैया ये ऑल अदर थिंक का मतलब क्या है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट रहे, इसका मतलब क्या है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट रहे उसका मतलब है ये प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं ये चीज़ें कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, तभी लो ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। लो ऑफ डिमांड सिंपल ये कहता है यार, हर एक को पता है, ये तो किसी से भी पूछ लो भाई, हाँ कोई चीज़ महंगी हो रही है तो हम उसे कम खरीदेंगे, और कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो हम उसे क्या खरीदते हैं, ज़्यादा, है ना। जब हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, बेसिकली इंडियन मेंटेलिटी तो यही है, इंडियन पेरेंट्स, ओहो देख कहाँ पे ऑफर है, कहाँ बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, कहाँ बाय वन गेट टू फ्री मिल रहा है, कहाँ 50% डिस्काउंट है, कितने लोग तो बस खरीदते ही वो चीज़ें हैं बड़े बड़े मॉल्स में जाके, है ना। तो ऐसे लो ऑफ डिमांड काम करते हैं भैया, बिल्कुल सही बात है, हमने भी देखा, ये तो हमारे साथ भी होता है। अकॉर्डिंग टू लो ऑफ डिमांड बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब अदर थिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये वर्ड मैंने आपको समझा दिया था, इवन इस पे भी MCQ आ सकता है, व्हाट इज सेट्रस पैरेबस, इसमें और कुछ नहीं है, हमने सब डिस्कस कर रखा है, इसी चीज़ को द्वारा डिफाइन कर रखा है भैया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ जल्दी से, डिमांड शेड्यूल। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, डिमांड शेड्यूल भी दो तरह के हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। क्या फ़र्क होता है बेटा, सीधा शेड्यूल, बेटा आप समझो, आपको रटना नहीं है, आपको MCQ फेस करने, तो आपको नॉलेज लेनी है, ये नहीं कि सारी लाइन रटनी है जो 12th क्लास तक माइंडसेट था। आपको मैं बताऊंगा कहाँ MCQ बनते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे MCQ नहीं बनती है तो एक बार रीड करने काम खत्म। इसको एज सच लिख के कोई आना, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है बेटा, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बन रखा है आपके सामने। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या दिखाता है, देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व टेबल की फॉर्म में, एक शेड्यूल है जो आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको अलग अलग डिमांड दिखा रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, अलग अलग डिमांड किस पे, अलग अलग प्राइसेस पे। ये बता रहा है कि अगर गुड्स के प्राइस 5 रुपये हुए तो हम कितनी यूनिट्स डिमांड करेंगे, 10। गुड्स के प्राइस अगर 4 हुए तो हम कितने गुड्स खरीदेंगे, 15। कि वही हमें पता है प्राइस कम होंगे तो हम ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे। आपको बस एक लाइन याद रखनी, डिमांड शेड्यूल एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेशन है जो एक कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड दिखाता है अलग अलग प्राइसेस पे। और ये शेड्यूल ऐसे बनता है जिसमें प्राइस बनेंगे और क्वांटिटी बनेंगे। एक लाइन याद रखनी है, काम खत्म, बस। डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग डिमांड होगी एक यूनिट ऑफ टाइम पे। ये उसका हाइपोथेटिकल डाटा है। कितने बच्चे कहते हैं भैया हमें सब रीड करना पड़ेगा पेपर में, बेटा कुछ नहीं, बस इसे एक लाइन रीड करनी है, ये ऐसे बना हुआ है, बस आगे चलेंगे। जहाँ टाइम लगाना होगा वहीं तो टाइम लगाएंगे ना। और बेटा अगर इस शेड्यूल को आप कर्व की शेप दे दोगे, अगर कर्व जहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस बनता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, इस शेड्यूल को अगर आप प्लॉट करके देखोगे तो आप ये देखो, प्राइस जब कम हो रहे हैं डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब बस याद रखना है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसा बनता है, काम खत्म, और कुछ नहीं। डिमांड शेड्यूल टेबल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन है, डिमांड कर्व एक ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंटेशन है, ग्राफ की फॉर्म में जो आपको अलग अलग डिमांड दिखाएगी अलग अलग प्राइसेस पे। ये देखो ये डिमांड कर्व है। अब उसी चीज़ को एक एक लाइन, ये देखो ये डिमांड कर्व, ये उस शेड्यूल की प्रॉपर प्लॉटिंग दिखा रखी है। सीखी भी है प्लॉटिंग, ये वहाँ पे शेड्यूल में ये तो था, जब प्राइस 1 थे तो हम कितनी यूनिट्स डिमांड करते थे, 60। जब प्राइस 2 था तो हम कितनी यूनिट डिमांड करते थे, 35। जब प्राइस 3 थे तो हम 20 यूनिट खरीद रहे थे। 4 पे कितने खरीद रहे थे,
15 खरीद रहे होंगे और 5 पे कितने खरीद रहे थे हम 10। ग्राफ बना दिया, ये डिमांड कर्व बन गया एक लाइन। ये ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म होती है डिमांड शेड्यूल की, जो क्या शो कर रहा है, ये आपको डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड दिखा रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या बेटा बात क्लियर है? इस पे हमने ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं था क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है ही नहीं ना, बस एक लाइन। डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का, जो कि कैसे अपटर्न होती है, बाय प्लॉटिंग ही डिमांड शेड्यूल। जल्दी से बता दो बेटा, और बेटा किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दे। तो हम थोड़ा सा, वैसे कुछ है नहीं इसमें, ना डिमांड शेड्यूल में ना डिमांड कर्व में, और वही बात मैंने पहले बताया था, डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल भी होता है मार्केट भी। ऐसे ही डिमांड कर्व इंडिविजुअल भी होगा मार्केट भी। डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल भी था, ऐसी डिमांड शेड्यूल एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। ध्यान से, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा, एक मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। भैया क्या फ़र्क है दोनों में? बस एक मिनट दो, एक लाइन बस, क्या फ़र्क है? नाम से ही क्लियर है, हेडिंग से। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कितने कंज्यूमर की डिमांड दिखाता है? एक सिंगल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल। मार्केट डिमांड शेड्यूल कितने कंज्यूमर की डिमांड दिखाएगा? जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में, जितने भी कंज्यूमर है। जैसे ये देखो, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया हुआ है, ये अलग अलग प्राइस है, ये अलग अलग डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर। ये पी कंज्यूमर है, ये क्यू कंज्यूमर है, ये आर है। इन तीनों को प्लस कर दो भाई। ये शेड्यूल क्या कह रहे हैं, रीड करना सीखो कि भाई जब 5 रुपये किसी यूनिट के प्राइस हैं तो पी कंज्यूमर कितने खरीद रहा है, उसके 10 यूनिट, क्यू 8 और आर 12, तीनों को प्लस करोगे तो 30 आ जाएगी। बस इससे ज़्यादा और कुछ रेलेवेंट नहीं है। ये सारे कंज्यूमर की डिमांड दिखाता है। मार्केट डिमांड कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर पेपर में क्वेश्चन भी आएगा एमसीक्यू, तो पता क्या आता है, टोटल मार्केट डिमांड निकाल दो, जो कि प्लस होके निकलती है। ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे भी निकाल सकते हैं यार, कुछ नहीं है इसमें। ऐसी हर एक लेवल पे निकाल दो, ये टोटल मार्केट डिमांड आती रहेगी। और इस वाले, इस टोटल मार्केट डिमांड की अगर प्लॉटिंग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। इस वाले की प्लॉटिंग देख लेना, एक यूनिट पे मार्केट डिमांड की 140 प्राइस दिखाएंगे, दो पे 100 दिखाएंगे। देखो क्या यही कर रखा है क्या, देखना, एक प्राइस पे 140, दो पे लगभग कितनी हो रही थी देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लॉटिंग करके दिखा रखी होगी, दो पे 100, तो ये देखो 90 और 105 के बीच। ऐसी 3 पे 60, ये अलग अलग पॉइंट है, इसे प्लॉट कर दिया तो ये मार्केट डिमांड करवा गया। ये भी नेगेटिव स्लोपिंग डाउनवर्ड ही आएगा, इसमें कौन सा कोई, इसमें भी तो वही है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम। क्या बात क्लियर है? अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। बेटा ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, चाहे डिमांड शेड्यूल हो जिसमें इंडिविजुअल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे डिमांड कर्व हो, चाहे इंडिविजुअल हो या मार्केट हो। और उससे पहले मैंने आज आपको क्या बताया, एक छोटा सा कंसेप्ट, डिमांड फंक्शन और छोटे छोटे डिमांड के डिटरमिनेंट्स। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ ले। तो बेटा एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं आज के लिए। हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंस्टीट्यूट की बुक के अकॉर्डिंग, वो तो ये आ रहा था, लो ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्यों कम हो जाते हैं। इसमें तो आराम से नई नई बातें आराम से समझाएंगे, लेकिन लो ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं होता वो बताना है कि भाई प्राइस बढ़ने से कितनी बार डिमांड कम नहीं होती। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमने चैप्टर में भी कितना डिस्कशन करा। आप मुझे कोई बताना चाहोगे कि अभी कहीं आपने कोई पॉइंट, क्या पता कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमने पहले ही पढ़े हों, इवन हैं, मुझे एक्सेप्शंस बताने, ऐसी चीज़ें बतानी है जहाँ प्राइस बढ़ने से डिमांड कम ही नहीं होती। बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ मैं फ़िलहाल, तो मैं आपसे, आपने प्रैक्टिकली कहीं देखा हो या आपके साथ मैंने कोई अभी डिस्कशन करा हो। एग्जाम्पल बेटा, इसमें इतना सब कुछ लिखा है, हमें तो एग्जांपल्स और हेडिंग्स याद रखने हैं, काम खत्म। भैया इन्फीरियर गुड्स में नहीं होती ये वाली बात कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होगी। विशु कह रही है ठीक है, वो तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर बंदे की इनकम कम होगी, अगर बंदे की इनकम ही कम है तो वो प्राइस बढ़ने के बाद भी इन्फीरियर गुड्स खरीदेगा। स्पर्श ने एग्जाम्पल दिया बिल्कुल, भैया डायमंड आपने कल भी बताया और आज भी बताया, जो ये प्रेस्टीजियस क्वालिटी के, भैया दिखावा कैसे करेगी शर्मा जी की बीवी,
कि डायमंड जितने महंगे होते हैं उसकी डिमांड उतनी बढ़ती है ना, ये प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं। इसी चीज़ को, यही फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्स्पिशियस गुड्स, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है बेटा। यहाँ तो जितने महंगे उतने ज़्यादा भाएंगे ये। एप्पल का आईफोन इसी में आ सकता है कहीं ना कहीं, है ना, जिनकी प्रेस्टिजियस वैल्यू हो, जिनकी कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है, अमीर लोग खरीदते हैं, ये उतनी अट्रैक्टिव होंगे जितने प्राइसेस बढ़ेंगे। इन्हें हम वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं बेटा, सब समझा चुका हूँ पहले ये बात। इसमें उतना ज़्यादा मज़ा मिलता है जितने ज़्यादा प्राइस होते हैं। ओहो, हमने तो महंगा खरीदा है, हम तो वहाँ से खरीद के आए हैं। डायमंड इसका एग्जांपल है। बिल्कुल बेटा, ये आपने खुद बता दिया मुझे कंस्पिशियस गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स है। गिफन गुड्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स बेटा। इन्फीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। आप समझो बेटा, जैसे बाजरा है, वो लो क्वालिटी एक चीपेस्ट प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ बाजरा के प्राइस बढ़ भी गए, लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन जो पुअर, जो गरीब इंसान है, वो इसकी प्राइस बढ़ने के बाद भी इसकी डिमांड कम नहीं करेगा। क्यों भाई? गरीब इंसान के लिए बाजरा महंगा भी हो गया तो उसके लिए अब भी अपनी पॉकेट में क्या ही अफोर्डेबल हो रहा होगा? बाजरा। वो चाहते हुए भी वीट खरीद नहीं सकता। ये कंसेप्ट रॉबर्ट गिफन ने दिया था, इसलिए इसको गिफन गुड्स कहते हैं। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स हैं और स्टैटिशियंस हैं, जिन्होंने यहाँ बाजरा की जगह डिस्कशन ब्रेड पे की है। इन्होंने ये रिसर्च ब्रेड पे करी थी कि जो वहाँ के स्कॉटिश लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, जो गरीब बंदे होते हैं, कि ब्रेड के प्राइस बढ़ भी जाए तब भी वो ब्रेड ही खरीदते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें बड़ी ही सरप्राइज हुई थी जब उन्होंने ये देखा कि जब ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश वर्कर ब्रेड ही खरीद रहे हैं, ज़्यादा कम नहीं खरीद रहे ब्रेड को। ये लो ऑफ डिमांड के अगेंस्ट निकला। ऐसा क्यों है जो मैंने आपको बताया? इसका सिंपल रीज़न क्या था? जब ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते थे तो उनकी जो परचेजिंग पावर है गरीब लोगों की, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आता था। वो बाकी चीज़ों की कंजम्पशन बेशक कम कर देते थे, मीट कम कंज्यूम करते थे, बाकी एक्सपेंसिव गुड्स कम कंज्यूम करते थे, लेकिन उनके लिए तब भी सबसे ज़्यादा चीप क्या ही पड़ता था? ब्रेड ही पड़ता था, है ना। तो ये भी एक लो ऑफ डिमांड जहाँ पे फेल हो जाता है, और ये क्लियरली बता रखा है। इस पे बेटा एमसीक्यू बनते हैं, ध्यान से समझ लेना, गिफन गुड्स पे, है ना। ये गुड्स क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। गिफन गुड्स कहते हैं प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो बंदा ब्रेड और खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो मीट नहीं खरीद सकता, अब वो ब्रेड ही खरीदेगा बस। तो जनरली गिफन गुड्स कौन से टाइप के गुड्स होते हैं? इन्फीरियर, जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है कंज्यूमर के बजट में। आई होप सो बात समझ में आ गई। बस इतनी बात और याद रखनी है, ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स हैं। लेकिन बात याद रखना दोबारा, गिफन गुड्स किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं? प्राइस और डिमांड के बीच में। इन्फीरियर गुड्स किसके बीच में पॉजिटिव बोलते थे? इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड के बीच में। इस बात को याद रखना, इसे भूलना मत, कि गिफन गुड्स प्राइस और डिमांड बोलता है, इन्फीरियर इनकम और डिमांड बोलता है। दोनों वेरिएबल्स अलग हैं। गिफन गुड्स के एग्जांपल बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड वीट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। इवन एक एग्जांपल मुझे किसी ने स्टोरेज का भी दिया था कि कितने लोग इसलिए डिमांड ज़्यादा करते होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो उसे स्टोर करके रखते हैं। वो उसे क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो अगर कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लग रहा है कि कल को कोई नेचुरल क्लैमिटी आने वाली है किसी एरिया में, कोई नेचुरल क्लैमिटी आने वाली है जिससे फूड सप्लाई की चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फूड सप्लाई नहीं हो पाएगा आपके एरिया में, तो अगर कोई चीज़, अब फूड सप्लाई महंगी भी होगी ना, तो आप भी उसकी डिमांड अभी ज़्यादा ही करोगे। आपको पता है भाई कल तो ये और महंगा हो जाएगा, भाई इसे अभी खरीद के रख ले भाई तो अपने घर। नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल है, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप बताओ, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। कहाँ वो 5,000-10,000 तोला होता था, फिर वो 20,000-30,000-40,000 तोला हुआ, तब भी उसकी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कल को इसके प्राइस और बढ़ेंगे,
आज का प्राइस भेज दिया सैम ने तो भैया 49,056 रुपीज़, मतलब 49,000 लोग इतना खरीद रहे हैं बेटा इसे, और खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कल को और बढ़ेगी। जमीन है, लैंड की वैल्यू है, बढ़ रही है, तब भी लोग खरीद रहे हैं, महंगे रेट पे खरीद रहे हैं इसे, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। क्या ये बातें क्लियर हैं या नहीं? क्या यहाँ पे लोभ डिमांड फेल होता हुआ दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पे लोभ डिमांड लग नहीं पाता? यहाँ पे लोभ डिमांड, फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे लोभ डिमांड नहीं लग पाता, जब लोगों को नॉलेज नहीं होती मार्केट की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनपढ़ बंदा सब्जी खरीदने चला गया जिसे यही नहीं पता आलू प्याज के रेट क्या है, उसने कहा जी प्याज तो 60 रुपये किलो है, क्योंकि सब्जी वाले बहुत तेज होते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते हैं, वैसे मार्केट में 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। लेकिन जब कोई जेंट्स लेने चला जाए जिसे पता नहीं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या वो 60 रुपये किलो में भी डिमांड कर लेगा उसकी या नहीं? ओनली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा हो सकता है या नहीं? कितनी बार आप इरेशनल डिसीजन ले लेते हो, आप कैलकुलेशंस नहीं करते मार्केट की, ऐसा हो जाता है कि जिसे पता ही नहीं, चल भाई तू 60 रुपये में ही दे दे। और इस मामले में जो ये शॉपकीपर्स ही होते हैं ना, सब्जी वाले बहुत तेज होते हैं, उन्हें पता होता है कौन डेली खरीदने आता है कौन डेली खरीदने नहीं आता, वो उसका वहाँ पे बेवकूफ़ बना सकते हैं। डिमांड फॉर नेसेसरीज, बेटा अब जैसे कि मेडिसन्स हैं, आपने खुद देखा मेडिसन्स के प्राइस बढ़ जाए, फूड की प्राइस बढ़ जाए, क्या इन्हें चाहते हुए भी इनकी डिमांड कम होगी? इनकी डिमांड कम हो ही नहीं सकती, बढ़ा लो भाई, खरीदना तो इन्हें ही पड़ेगा, नेसेसरी गुड्स हैं, क्या करें, कर लो भाई जितने मर्जी प्राइस बढ़ा दो। फूड पावर वाटर गैस पे लोभ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, बेशक प्राइस बढ़ जाए बेटा इनके बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती। और लास्ट से स्पेकुलेटिव गुड्स, जिसका एग्जांपल है शेयर एंड स्टॉक, आपको पता है जितने शेयर के प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड उतनी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा अभी ये प्राइस बढ़ा तो कल को तो ये और बढ़ेगा, कल को तो ये और बढ़ेगा, शेयर मार्केट ऐसे काम करती है। और जब उसके प्राइस कम होते हैं शेयर के तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड कम हो जाती है। मतलब इस स्टॉक में ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना, जैसे एक शेयर है अडानी ग्रीन का, एक साल पहले लगभग 40 का था, फिर वो शेयर 100 का हुआ, फिर 200 का, फिर 300 का, एक साल में वो शेयर 1000 का हो गया। ऐसी जो अडानी जी हैं वो सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बन गए इंडिया के, वो इसीलिए बने क्योंकि उनके शेयर प्राइस बहुत बड़े, लोगों ने डिमांड बहुत बढ़ाई उसकी। आई होप सो बात समझ में आई, आप इसे बेटा एक बार गो थ्रू कर लेना। एक पॉइंट रह गया, मैंने जानबूझ के नहीं समझाया, इसे हम कल डिस्कस कर लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स ही आपको याद करने हैं। और बेटा एक मैंने बात फर्स्ट लेक्चर में भी कही थी, दोबारा कहूँगा, रिवीजन इज़ द की। डेली लेक्चर अटेंड करना, रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना, यही चीज़ें आपको आपकी मदद करेगी कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस।